गाइस एग्जांपल 85 देखो, ये भी अच्छा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना एक एक पॉइंट, जो रत्ती भर भी अगर आपको कहीं डाउट आए तुरंत पूछने की कोशिश करना और अच्छे से समझ के चलना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक शिकारी है जिसका ये मकसद है कि वो पेड़ पर बैठे हुए बंदर को मारे अपनी गन की मदद से। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है जैसे ही इसने बुलेट को फायर किया, इसकी बुलेट जो इसकी जो गन थी वो बंदर की तरफ थी, जैसे इसने बुलेट को फायर किया तो वैसे ही बंदर उस पेड़ से नीचे की तरफ को आया। तो सवाल ये है क्या बुलेट उस बंदर को लगेगी या नहीं लगेगी। तो इसका जरा डायग्राम बनाते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ पर उस बंदे ने अपनी गन को रखा हुआ है इस तरीके से, ये गन रखी हुई है और वो बुलेट को फायर कर रहा है। बुलेट को वो फायर करेगा, लेट अस सपोज कि वो इस तरह से फायर कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट आ जाएंगे वेलोसिटी के, ये कंपोनेंट कहलाएगा यू कोज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, और ये आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है, आपको पता है u cos थीटा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ को लेकर जाता है, जबकि u sin थीटा जो कंपोनेंट है ये ऊपर की तरफ को लेकर जाता है। तो इस तरीके से बुलेट जो है मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब मान लेते हैं ये पेड़ है जिसके ऊपर बंदर चढ़ा हुआ है, ये पेड़ है जिसके ऊपर बंदर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब जब हमारी, देखो इसको देखो ध्यान से, जब बंदर ऊपर बैठा हुआ था तो हमने इस गन को बंदर की तरफ को किया हुआ था, तो बंदर की तरफ को करने का मतलब कुछ ये हुआ कि भैया बंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाओ यार, एकदम से बंदर की तरफ को ये गन थी, इसका निशाना किधर को था, बंदर की तरफ को था, बंदर यहाँ बैठा हुआ है, मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ मंकी, ठीक है भाई, यहाँ दिखा दो इस तरह से बैठा हुआ है। लेकिन हमें पता है जैसे हम गन को फायर करेंगे तो हमें पता है कि हमारी बुलेट कुछ इस तरह के प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगी, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में बुलेट को टी टाइम लगा, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ये भी पता होना चाहिए, यू वेलोसिटी थी इनिशियल, और ये मान लेते हैं कि टी टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है, ये वाली बात। तो मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी बुलेट चलेगी, तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालो, यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हैं। लेट अस सपोज u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड u cos theta एंड u sin theta आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट रिस्पेक्टिवली एंड x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट, ठीक है। ये m है जहाँ पर मंकी बैठा हुआ है, इसको आप a कह दो और इसको आप b कह दो, b पॉइंट जो है वो ग्राउंड पर है, a पॉइंट जो है ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो इन सब बातों को आप लिख सकते हैं। मैं आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल के दिखाता हूँ, लिखोगे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बुलेट। अच्छा, ये निकालने से पहले मैं आपको थोड़ी सी अप्रोच बताता हूँ कि हम करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। देखो, जैसे ही मैंने गन को फायर किया मंकी नीचे की तरफ को आया, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि बंदर जो है वो नीचे की तरफ को आया, तो मान लेते हैं कि बंदर टी टाइम में नीचे की तरफ को आ रहा होगा, तो नीचे की तरफ को जब आ रहा होगा तब वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये निकाल लें हम। अगर वो डिस्टेंस हम निकाल लें किसी तरीके से, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लें कि यहाँ पर आने में इसने कितने डिस्टेंस कवर की होगी, तो हम ये डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम मंकी के डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि यहाँ से जब मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक तो हम ये निकालेंगे, वही तो प्रोजेक्टाइल मोशन से आराम से मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे,
और हमें टोटल, ये टोटल भी निकाल लेंगे हम टोटल कि एम बी कितना है। तो हम ये जब टोटल पता है हमारे पास एम बी कितना है, मैक्सिमम हाइट भी पता होगा, तो टोटल में से मैक्सिमम हाइट घटा देंगे, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो हम निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से, देखेंगे इसको कितनी है, फिर हम ये देखेंगे कि मंकी ने कितनी डिस्टेंस कवर की नीचे आने में, एम से ए तक आने में। अगर ये डिस्टेंस से इक्वल हुई तो 100% मंकी को वो बुलेट लग जाएगी, और डिस्टेंस से इक्वल नहीं हुई तो बुलेट नहीं लगेगी। तो हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो एक बार मंकी की देखेंगे और एक बार हम बुलेट की देखेंगे, फिलहाल हम बुलेट की देखने के लिए जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी। अब आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड है वो कितनी है, वो है यू कोस थीटा, और टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। तो यहाँ से टी निकालोगे तो टी कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। ये चीज़ आपको पता भी होती है पहले से, तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा। तो ये आपके पास आ चुकी है, एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टू, चलो मत लिखो या मत लिखो यहीं रहने दो। तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कोस थीटा आ गया, इतनी बात आ गई। अब आप ये है इसको निकालेंगे, ये जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट आप कहोगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ पर वो ए बी है, जिसको आप वाई कहते थे, ये तो है वाई इज इक्वल टू ए बी। ये क्या होता था आपके पास, जल्दी से बताओ, यू कोस, अब देखो ये ऊपर का मसला, ऊपर का हाइट का, तो यू साइन थीटा, जल्दी से यू साइन थीटा इंटू टी, आप ये कर देते माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इसके अलावा कोई और फॉर्मूला था, नहीं था, यही था। अब टी की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा, टी की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स अपॉन यू कोस थीटा हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, यू से तो यू कट गया, यहाँ से एक्स बचेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा, तो एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके पास ए बी निकल कर आ गया, ये आपको पता भी होता है। खैर इसका फॉर्मूला है एक्स ए बी इज इक्वल टू, या फिर मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू होता है एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट पता भी होता है, फॉर्मूले की तरह आपको प्रूफ कराया जाता है एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। तब ये वाली बात आपको पता है कि ए बी जो है वो कितना है, एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर है या नहीं है। तो अब आप एक काम करेंगे कि ये आपके पास ए बी आ चुका है, अब आप देखेंगे कि एम बी कितना होगा। अगर आपको एम बी पता चल गया तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत छोटा रह जाएगा। तो एम बी कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, एम बी आपको चाहिए, ये पूरा एम बी चाहिए। तो एम बी निकालने के लिए आपको एक्स पता है, बिल्कुल पता है, और आपको एम बी चाहिए, थीटा भी है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस आपको पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दे रखा होता है, तो ये दे रखा होता है टेन थीटा के अंदर। तो आप कहोगे सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना एम बी अपॉन बेस, बेस कितना है आपके पास, इसको ओ गाओ, ये हो जाएगा ओ बी। अब एम बी आपको चाहिए और O से B तक की डिस्टेंस आपको पता है X दे रखी है, तो यहाँ से एम बी कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा X tan थीटा। बड़ा ज़बरदस्त हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों को बड़ी आसानी हो गई कि एम बी अब आपके पास है, ए बी भी आपके पास है, तो आप M से A तक की डिस्टेंस निकाल लो कि M से A तक की डिस्टेंस कितनी होगी। एक्चुअल में हम यहाँ पर निशाना साध रहे थे, लेकिन वास्तव में जो बुलेट जाएगी वो ए पर जाएगी। तो हमें ये पता चलना चाहिए ना कि कितना गैप बच जाएगा बुलेट को कवर करने से। तो ये है आपके पास एम ए, तो आप यहाँ कहोगे सिंस कलर चेंज कर लो, एम ए जो होगा ये एम बी, एम ए जो होगा, एम ए जो होगा ये एम बी में से माइनस कर दो ए बी। देखो एम ए चाहिए तो एम बी में से अगर ए बी को माइनस कर दिया जाए तो एम ए रह जाएगा, ठीक है। अब एम बी कितना, एक्स टेन थीटा, उसमें से माइनस करना है आपको ए बी को। अब ए बी कितना, एक्स टेन थीटा माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो है ना। जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एक्स टेन थीटा से एक्स टेन थीटा कट गया, बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो एम ए जो आया वो आया हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई,
एम ए जो है वो है हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब एम ए की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर। ये एक तरह की हाइट है ना, एम ए एक तरह की क्या है, हाइट है। तो एम ए जो है वो आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपने ये बुलेट का देख लिया कि बुलेट जो है वो इतने एरिया को छोड़ देगी, मतलब इतने डिस्टेंस कवर नहीं करेगी। अब आप मंकी का देखेंगे, जैसे ही आपने बुलेट को फायर किया था उसी इंस्टेंट मंकी नीचे को आया था, तो मैं ये देख लेता हूँ कि टी टाइम में मंकी कितना नीचे को आया होगा। और ये हमने देखा है कि टी टाइम में बुलेट ने कितनी जगह छोड़ दी, कितनी डिस्टेंस कवर करने से रह गई। अब हम मंकी का देख लेते हैं। तो मंकी का देखने के लिए आप कहोगे इन टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड बाय मंकी, मंकी ने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया होगा। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो एक तरह से मंकी फ्री फॉल करेगा, है ना, जो आपका पेड़ है उस पर फ्री फॉल करता हुआ नीचे की तरफ को आएगा। तो जब नीचे की तरफ को आएगा फ्री फॉल करता हुआ, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कैसे निकालोगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। तो यहाँ से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इसको आप कैसे करेंगे, हाफ जी डी स्क्वायर को आप ये लगा दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर। एस इससे निकालो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो है तो s इज इक्वल टू यू टी वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। चलो लिख के दिखा देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर बचेगी। तो मंकी ने जो डिस्टेंस कवर की है वो हाफ जी टी स्क्वायर की है। ये वही डिस्टेंस है जो बुलेट ने कवर करने से छोड़ दी थी। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बुलेट फायर की जाएगी तो मंकी हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ पर बुलेट आ भी रही है, सीधे मंकी को हिट कर देगी और मंकी मर जाएगा। चाहे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो, मंकी को जाके लगेगी लगेगी सेम टाइम में, सेम टाइम में बुलेट उस सेम टाइम में मंकी धाड़ से। देखो यहाँ से जैसे बुलेट फायर की धाड़ से ऐसे ही, तो जितने टाइम में नीचे को आया उतने टाइम में बुलेट भी जाकर उसको लग जाएगी। थैंक यू सो मच, पूरी शिद्दत के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएं। थैंक यू सो मच।